नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र, आपका इंडिया एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो हम बात करेंगे BHU की, जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है, जो आपके सेकंड फेज के एग्जाम हुए थे, जिप्स में आपका BA का एग्जाम था, BSc का एग्जाम था, मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, सभी BSc के एग्जाम, BCom, BFP, इसके अलावा जो अदर कोर्स हैं आपके, जो आपके EUT के, उन सभी की आपके आंसर की कब तक आ सकती है, कब उसको आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे आपका। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपके लिए यहाँ पर काशी इंद्रता संबंधित सभी अपडेट दी जा रहे हैं। तो बात करते हैं आपके आंसर की, आपकी कब आएगी। तो आपके आंसर की जो आने की डेट है, जो उम्मीद है, वो आपकी इसी वीक के अंत तक आने की उम्मीद है, लेकिन मुझे लगता है आपके आंसर की जो आएगी वो आपकी 5 से 6 दिन में आपकी आ जाएगी। 5 से 6 दिनों में आपके आंसर की आ जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। जो आपकी पिछली आंसर की थी, जो आपकी फर्स्ट फेज का एग्जाम थी, उसकी आंसर की आपकी 7 से 8 दिन बाद आ गई थी। 31 तारीख को आपका एग्जाम था, उसके बाद आपकी 8 तारीख से आपकी आंसर की डाउनलोड होनी स्टार्ट हो गई थी। तो 7 से 8 तारीख के बीच में आपकी पिछली आंसर की आ गई थी। तो ये भी आंसर की आपकी, अभी आपका 18 तारीख, आज ही आपका लास्ट एग्जाम है शास्त्री का, तो वो जो एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सभी कोर्सों की एक साथ आपकी आंसर की आएगी, जितने भी आपके कोर्स हैं आपके EUT के सेकंड फेज के, तो सभी की आंसर की आपकी एक साथ रिलीज की जाएगी। तो मुझे उम्मीद लगता है कि आपके आंसर की 5 से 6 दिन में आपकी रिलीज कर दी जाएगी। आज आपकी 18 तारीख हो गई, उस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं, 5 से 6 दिन में आपकी, यानी 25 तारीख से पहले पहले आपकी आंसर की आ जाएगी। अगर डेट की बात करें तो 25 तारीख से पहले पहले आपकी आंसर की आ जाएगी और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करेंगे BHUonline.in से आप डाउनलोड करेंगे। इससे पहले मैंने जो EUT PT की फर्स्ट पेज एग्जाम थी, उसमें मैंने आपकी आंसर की डाउनलोड करके दिखाई है, उसको कैसे आपको डाउनलोड करना है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन जब भी आपकी आंसर की आएगी तो मैंने फिर से मैं एक बार आपको डाउनलोड करके दिखा दूंगा लाइव, कि कैसे आपको आंसर की डाउनलोड करनी है, कहाँ से करनी है, कहाँ आपको लिंक मिलेगा, सबकी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। तो BHUonline.in से आपकी आंसर की डाउनलोड करने को मिलेगा, उसमें अगर कोई क्वेश्चन गलत आता है तो उसको 6 से चैलेंज किया जाएगा। उन सब के बारे में पहले से वैसे जानकारी उपलब्ध है, भाई सेम जानकारी आपके लिए उसमें भी काम में आएगी, जो हमारे चैनल पर, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उनके नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वो भी देख लीजिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर वीडियो अपलोड कर दिएगा, वो भी देख लीजिए। जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर दी गई है, सर्च कर सकते हैं आप इंडिया सोशल हब लगा के, और आगे कोई भी जो आप सर्च करना चाहते हैं उसको डाल के आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी जो भी जानकारी आप सर्च करना चाहते हैं। तो ऑलरेडी है आपके आंसर की फिलहाल आने की जो समय सीमा है वो 5 से 6 दिनों में आपकी आ जाएगी। बहुत जल्द हमारे चैनल पर आपके लिए एस्पिरेंट के कटाफ की वीडियो सबके मिल जाएंगे। आज आपके लिए BA ऑनर्स जो आर्ट्स और सोशल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम था, उसकी आपकी एस्पिरेंट के कटाफ की वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैं आपके लिए पेड सीट कितने पे मिलेगा और जो आपके इंपॉर्टेंट है हॉस्टल कितने तक आपका मिलने की संभावना है, तो वो सभी आपके एस्पिरेंट के कटाफ में आपकी रहेंगे, कितने आपका एडमिशन होगा मेन कैंपस में, उन सबके लिए भी रहेगा। ऐसे ही आगे के जो आपके एस्पिरेंट के कटाफ की वीडियो आएंगे उनमें भी सभी जानकारी रहेगी। तो ये था हमारा पूरा वीडियो आपके आंसर की के बारे में, ऑफिशियल आंसर की आपकी कब तक आएगी, कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके चैलेंज के बारे में थोड़ा सा बताया था। इसके अलावा जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैलेंज के संबंध में, आंसर की डाउनलोड कैसे करेंगे उसके बारे में आप देख सकते हैं, उनको भी एक बार अभी ट्रायल के रूप में देख लीजिए। और जैसे ही आपकी आंसर की आएगी ऑफिशियल, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा चैनल के माध्यम से, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, जहाँ से उनसे आप जुड़े हुए हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पर सब पे शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट है, कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा।